अगर आप झारखंड में कहीं जा रहे हो तो रास्ते के दोनों ओर आपको एक सफेद मखमली चादर बिछी हुई दिखती है आपसे, और ये हमारे ठीक पीछे है, इतना खूबसूरत है, करिश्मा कैमरामैन बनकर दिखाएंगे आपको। वाकई ये खूबसूरती ने ही हमें रोक लिया जब अपने काम से जब हम निकले थे। पॉलिटिकल कवरेज था ये, लेकिन देखिए कि जब उसकी खूबसूरती दिखी तो कैसे गाड़ी अपने आप यहाँ पर रुक गई। और ये खूबसूरत जो मखमली चादर की बात पेशी कर रहे हैं, मखमली चादर को देखने के लिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। और ये मेरे हाथ में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ऐसे मखमली चादर के सफ़ेद फूल, काश के फूल जिसे कहते हैं, इस मौसम में कई जगह पर सड़क के किनारे आपको दिखेंगे, लेकिन सिर्फ इसके दिखने का मतलब बहुत कैसे बताइए। इसका मतलब है एक ये है कि मौसम का एक संकेत है, और इसका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी है, रामायण में भी इसका जिक्र है। दिया गया और ये फैसला लिया गया था कि बारिश के बाद फिर शुरू हो, तो जब ये फूल खिले इसे मौसम परिवर्तन का संकेत माना जाता है, तो भाषा ये मौसम परिवर्तन का संकेत था। और ये उन्होंने कहा कि ये बताया जाए कलश के फूल भी खिल गए जो कि मौसम परिवर्तन का संकेत देता है, तो अब वो खोज फिर से शुरू की जा सकती है। और वो और जो अभी घर पे बैठे हैं वो इन काश के फूलों को उनका मन ललच रहा होगा कि कैसे वो पहुंच जाएं इस खूबसूरत वादी में, इस खूबसूरत लोकेशन में। और सभी को ऐसे फूल देखकर सेल्फी लेने का तो मन जरूर करेगा, क्योंकि इतने खूबसूरत, इतने आकर्षक ये दिख रहे हैं कि बरबसी लोग यहाँ पर रुकने को मजबूर हो जाएंगे, जैसे हमारी टीम यहाँ पर रुकी है और इस खूबसूरत काश को देखकर हमसे रुका नहीं गया। हम तो कई सारे इस ट्रेन को तोड़ कर भी ले जा रहे हैं, घर पे याद के रूप में इसे संजो कर रखेंगे, क्योंकि इतने खूबसूरत ये लग रहे हैं कि आप वाकई यहाँ पर आने का आपको दिल चाहेगा। और इसकी ऊंचाई भी देखिए, चार फीट, 4.5 फीट और कई जगह पे 5 फीट तक की ऊंचाई है इसकी, और वाकई बहुत बहुत खूबसूरत है। अब कुछ दूर करिश्मा साथ में जाएंगे और काश के फूल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। करिश्मा और कैमरा का काम संभालूंगा मैं। तो ये है अब आपको लग रहा होगा जब बात करते हैं कि बस हम भी वहाँ तक चले जाएं उस लोकेशन में, इस प्यारी फूल के बीच में, पास में फूल के बीच में, जहाँ पर उससे हो जाए बंद हो जाए। आप यकीन मानिए ये जो रास्ता आप देखते हो रोहतगा फूल के बीच का जो रास्ता है, लेकिन ये कितने दिन रहेगा वो श्योर नहीं है, क्योंकि सूखने के बाद हो सकता है इसके जो फल है वो उड़ने लगे, झड़ने लगे, लेकिन फिलहाल इसकी खूबसूरती बयां नहीं की जा सकती है। अब मैं थोड़ा कैमरा का काम कर देती हूँ, सर को भेजती हूँ वापस से कि सर थोड़ा बता दे कि आखिर क्या है ये। बिल्कुल काश का फूल है, और जैसा कि आपने कहा कि इसका एक मौसम परिवर्तन का संकेत, बारिश का महीना
अगर आप सही कंकास बताया कि आप भी दिखाया आसमान हो, ग्रे कलर का बारिश होने वाली हो और मौसम शाम ढलने वाला हो, सबके बीच में पर हरे चादर के ऊपर सफेद चादर वाकई बहुत अच्छा नजारा हो। तो ये कास की खूबसूरती जो आपको मन करता होगा कि घर से निकले और इस कास के फूलों के बीच में पहुंच जाए। हालांकि है प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है तो उसका आनंद तो लेना चाहिए और यहाँ पर आकर वो जरूर आपको सुकून के पल जिसे ढूंढते हैं शहर वाले लोग यहाँ पर वो जरूर मिलेगा। तो चलिए अब आप भी निकल पड़िए कांस के फूलों के लिए और हमें दीजिए इजाजत, हमें कुछ फोटो इसे कलेक्ट करना है ताकि हम इसे यादगार के रूप में रांची लेकर जाए।